आज का टॉपिक क्या है? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो कंडक्टर हमने पढ़ा था, है ना? तो किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या क्या कर सकता है, कहने का मतलब ये। स्टूडेंट तो सब है, पढ़ता सब है, जब परीक्षा हॉल में बैठा दिया जाए या फुल टाइट परीक्षा लिया जाए तब वह क्या करता है ये देखना है कि नहीं। साल भर तो हमने भी खूब पढ़ाया, तुम लोग भी खूब कहा कि तू पढ़ाओ ना, हम पढ़बे ना करम। कितना पढ़ेबो तू, पढ़ा ल कि देख लो, है ना? तो इससे पहले कि हम इसमें चलें कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले देखें कि कंडक्टर है क्या चीज़। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमने कंडक्टर के विषय में आपको पढ़ा दिया है। कंडक्टर मीन्स चालक, चालक माने चले वाला ने। क्या होगा कंडक्टर, इसको क्या कहेंगे बोलिए। देखिए सबसे पहले तो जानिए कि कंडक्टर कंटेंट मूविंग चार्ज कैरियर, मूविंग चार्ज कैरियर। तो सबसे पहले देख लो कि कंडक्टर को क्या कहेंगे हम, सब्सटेंस विच अलाउ क्या लिखे, सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो चार्ज, जो आवेश को के प्रवाह को क्या करता है, अलाउ करता है। अलाउ करना मतलब उसको क्या कहें हम हिंदी में, जिससे होकर आवेश का प्रवाह हो सके। इसका हिंदी क्या हुआ, जिससे होकर आवेश का प्रवाह हो सके, ठीक है। सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो चार्ज, जिससे होकर क्या हो, आवेश का प्रवाह हो सके। प्रवाह माने हो जो पालेजा घाट में प्रवाह करती है, वो प्रवाह नहीं, चलना मूव करना, है ना? अब इसको देखने के लिए कि कंडक्टर से आवेश का फ्लो होता है कि नहीं, एक छोटा सा सुआ घर में होगा, कैंची होगा, पेचकस होगा, या कोई लोहा साधारण सा नहीं कुछ होता, कांटी होगा, होगा ना, जाना और प्लग में घुसा देना कटिया, क्या स्विच दे के देखना, पता चलेगा कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है, पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा काम मत करना, नहीं तो मेरा 600 रुपया डूब जाएगा, ऐसा काम नहीं करना। और दूसरा क्या होगा जी, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, हैं? कुचालक। तो हम इतना नहीं लिख के सीधे लिख दें, नॉट अलाउ, है ना, टू फ्लो चार्ज, ठीक है, विच नॉट अलाउ टू फ्लो चार्ज, इससे होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो इसको सीधा सीधी इंसुलेटर कहते हैं। एक होता है सेमी कंडक्टर, जिसकी चर्चा हम मॉडर्न फिजिक्स में जब चलेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मॉडर्न में नहीं घुसे, अभी हम लोग पीछे बीचे बीच में हैं, है ना? तो ये तो हो गया कंडक्टर, अब और इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की चर्चा हमको नहीं करनी है, हमको करना है कंडक्टर का, जिससे करंट का फ्लो हो सके, हम चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज का फ्लो हो सके। अब इस कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या बिहेवियर इसका होगा या क्या करेगा, इसको देखते हैं, ठीक है। तब इसको जिसको नोट करना है कर लो, नहीं तो हम मिटाएं इसको फटाफट। अब आते हैं इसका हम मेन मुद्दा पर, हम लोग मुद्दा क्या है, यहाँ है मेन मुद्दा, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर यह कैसा व्यवहार करेगा, कब, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम रखेंगे। तो सबसे पहले
मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये कोई चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, आप निगेटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कंडक्टर को यहाँ ये बता कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं, बनी, बोले ना रे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई चार्ज कैरियर हम रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनेगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई कंडक्टर हम रख देते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या है, जीरो है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन इंटीरियर ऑफ कंडक्टर, किसी भी चालक के अंदर जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो उसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बारे मेरे सेरे बिहार, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब नेट चार्ज पर मत चल जाइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ाया था, हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तावा गर्म है, किसी बच्चा को ऊपर से बैठा दिए, उसके अंदर का लीवर नहीं जलेगा, खाली नीचे वाला जलेगा, लीवर तक हीट पहुंच ही नहीं पाएगा कि जलेगा, जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा, देखो जलेगा कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। देखिए, हमने बोला कि कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, होगा ना, तो ये बताओ इसके अंदर थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं, मानने में कह लो हर जबा, मान लेते हैं कि हवाई जहाज से चल रहे हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, साइंस पढ़ रहा है, साइंस का बच्चा कुछ मान सकता है, है ना। मान लिया कि थोड़ा देर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव है ना। इसमें जो भी ध्यान से समझना, यहाँ समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, आ नहीं तो रट्टा मारना है तो रट्टा मारते रहो, हम तो लगे रहे हैं सुंदर। चलो देखो, अगर जैसे ही इसमें निगेटिव और पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, होगा ना, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, मरद मरद में कहीं ब्याह होखल है, होखल है, बोला होता है, तो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें जो निगेटिव है वह क्या आता है, इस सरफेस के तरफ आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें यहाँ जैसे ही टच किया यह क्या करेगा, निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, अट्रैक्ट कर लिया, और पॉजिटिव को क्या करेगा, ठेल देगा कि चल जा बाबू सुरधामपुर, ठेल दिया इधर के सरफेस पर, ठेल दिया उसके, हम एक फील्ड की बात कर रहे थे, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, फिर और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड गया, सारे निगेटिव चार्जेस कहाँ चले आए, इधर चले आए, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितना था, इतना था इसमें, अब जब इधर से सारा निगेटिव इधर और इधर पॉजिटिव चले आएगा तो धीरे धीरे घटते चला गया इलेक्ट्रिक फील्ड, याद होगा हम एरो चिन्ह से दिखाए थे, जैसे जैसे दूर भागता है वैसे वैसे छोटा होते जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या
धीरे धीरे सारा पॉजिटिव इधर और सारा निगेटिव इधर। पता चला कि उसके बाद यह एक अपने आप में तब तक क्रियाएं चलती रहती है जब तक कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो इसके बराबर नहीं हो जाता है। अब क्या बनाएगा, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बनाएगा और इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब तक हो जाता है या क्या बनाता है, विपरीत, इसके इसके विपरीत बनाएगा। ये नेगेटिव किधर जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। तब तक यह बनते रहता है जब तक कि अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में समाप्त नहीं हो जाए, यह तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए कहा जाता है कि इंटीरियर क्या लिखे हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है, समझ में आ गया। यह प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती है जब तक टोटल निगेटिव इस सरफेस पर और टोटल पॉजिटिव उस सरफेस पे नहीं चला जाए। और दोनों निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सरफेस पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करके समाप्त कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर टू, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द आउटसाइड, आउट हम लिख दिए आउट होगा, आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टर। किसी भी चालक के बाहरी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, नॉर्मल होता है यानी अभिलंब होता है। मान लिया ये नीचे दिख रहा है, ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ चार्ज रख दिए, अंदर में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, सरफेस पर, इस पर। तो इसके जब निकलता है तो हम क्या कहते हैं, ऐसे ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, एक दूसरे पर क्या होगा, अभिलंब होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यह चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो कैसे निकलेगा, सीधा कि भांगड़ा करते हुए ऐसे जाएगा, जाएगा जब भी निकलेगा तो। इसको क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर, 76 बार पढ़ाए हुए हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर है कि क्या है, देख तो ऐसे कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर है कि क्या है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तीसरा पॉइंट, इसको नोट करो, तब देखिए, चालक के अंदर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है। कहने का मतलब नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। वाई, क्यों, ये देखो, अकॉर्डिंग ए पहला दिन टू गॉसेस थ्योरम पढ़ा है, इसका हिंदी नहीं ना चाहिए, गॉस के नियम के अनुसार। गॉस ने क्या बोला था, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, चाहे छोड़ो ना, ई डॉट डी एस मान दो, होगा ना, बराबर क्या, क्यू बाई एफ नल, बताया था इधर। इसके पहले पॉइंट में हमने क्या बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या, ई के जगह हम क्या दे देंगे, डॉ गुना डी एस कॉस थीटा बराबर क्यू बाई एफ नल नॉट, होगा। अभी टोटल टर्म में जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो में एफ नल नॉट से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, चुलबुल पांडे नहीं। पॉइंट नंबर फोर, चार्ज रीसाइड ऑफ कंडक्टर। कहोगे कि सब हम सब में जीरो 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 मारते जा रहे हैं तो आखिर चार्ज बा कहाँ, तो रीसाइड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर। पांचवा पॉइंट, ए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होता है, बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर तो पोटेंशियल भी बराबर, यानी सरफेस कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल क्या है, ऐसा सरफेस जहाँ हर जगह विभव
समान हो, है ना। पोटेंशियल क्या लिखे, पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल, है ना। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, हर जगह बराबर होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी पृष्ठ। इसका हिंदी नोट करना था, फटाफट कर लो। सतह पर हर जगह विभव समान होता है, सतह पर हर जगह विभव समान होता है, इसलिए इसे समविभव पृष्ठ भी कहते हैं। तो ये था बिहेवियर किसका, कंडक्टर का, यदि हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। कल का टॉपिक होगा आपका डाई इलेक्ट्रिक, फिर मिलते हैं कल।